कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राष्ट्रीय काशनी संत ब्रह्मानंद बालयोगी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से भक्तों को आनंदित कर दिया। विधायक संदीप शर्मा ने कथा के दौरान पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। सनातन धर्म श्रीराम मंदिर दादाबाड़ी पर व्यासपीठ से बालयोगी महाराज ने कहा कि जब तक जीव माता के गर्भ में रहता है तब तक वह बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता है। उस समय वह जीव बाहर निकलने के लिए ईश्वर से अनेक प्रकार के वादे करता है, मगर जन्म लेने के पश्चात सांसारिक मोह माया में फंस कर वह भगवान से किए गए वादों को भूल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे मृत्यु मिलती है। भगवान ध्रुव के सत्कर्मों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ध्रुव की साधना, उनके सत्कर्म तथा ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा के परिणाम स्वरूप ही उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। महाराज ने कहा कि हमें हमेशा अच्छी चीजें व अच्छे साहित्य व धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए ताकि हमारा मन व बुद्धि स्वच्छ रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों के नामांकरण से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर उनका नाम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जथा नाम तथा गुणा की कहावत हमेशा चरित्रार्थ होती है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की पुण्यतिथि पर पीसीसी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पीसीसी महासचिव राम सिंह कसवा, महासचिव जसवंत गुर्जर, सचिव अयूब खान, सेवादल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैलाश सोयल, पीसीसी प्रवक्ता राजेश कटारा, पीसीसी सदस्य शरीफ खान, प्रद्युम्न सिंह, शकुंतला शर्मा, मंजू शर्मा, महेश शर्मा, दीपक धीर, दीपक पहाड़िया सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहाड़िया को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रात आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए जयपुर के दंपति सन्नी तब्रेज और उनकी पत्नी फरहा को गोली मार दी गई और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर.आर. तिवारी ने उनके आवास पठान चौक पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। तिवारी ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से बात की और परिजनों से बात कराई। तिवारी ने जिला कलेक्टर से मुख्यमंत्री की ओर से पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। इसके अलावा करीब 50 लोगों का ग्रुप जम्मू कश्मीर घूमने गया था, उन सभी लोगों को सुरक्षित जयपुर लाया जाए, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा। अग्रवाल समाज समिति के त्रैवार्षिक चुनाव सी स्कीम स्थित महावीर स्कूल में हुए। 60 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 40,000 है। चुनाव कमेटी में विजय कुमार गोयल, विष्णु सावैया, रमेश कुमार नारनोली, राजकुमार तालुका और अजय कुमार अग्रवाल है। महावीर स्कूल में मतदान हुआ। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। तेज गर्मी से बचाव के एसी, कूलर, पंखे व टेंट लगाए गए। महावीर स्कूल में 200-300 से ज्यादा टेबल पर वोटिंग की व्यवस्था की गई ताकि मतदाताओं को मतदान के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और शाम 7 बजे तक चला। नारायण सिंह सकल स्थित इंद्रलोक ऑडिटोरियम में अनन्य सोच सेवा संस्थान की ओर से हेरिटेज किड्स फैशन शो सीजन 1 का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से आए 2 से 12 वर्ष के 100 से अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आयोजक अर्चना बैराठी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को निखारना और हर एक चैलेंज के लिए तैयार करना है। किड मॉडल व एक्टर अरविक बैराठी ने बतौर शो ओपनर इस शो को शुरू किया। किड मॉडल भावी सोकल ने बॉलीवुड पैरोडी पर शानदार डांस परफॉर्मेंस दी। इस शो में बच्चों की मेकअप एवं स्टाइलिंग वेद रूप से आरती जैन एवं उनकी टीम द्वारा की गई। शो की कोरियोग्राफी अलका श्रीवास्तव द्वारा की गई। शो का मंच संचालन सेलिब्रिटी एंकर शुभम खंडेलवाल द्वारा किया गया। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। इसके चलते रोडवेज की बसें कम पड़ गई। हालांकि रोडवेज ने कुछ अतिरिक्त बसें भी चलाई है, इसके बावजूद भी यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार सिंधी कैंप बस स्टैंड पर खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने वाले यात्रियों की भीड़ रही। ये भीड़ सुबह 6 बजे से ही लगी रही। इसे देखते हुए अतिरिक्त बसें भी चलाई गई। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि खाटू श्याम, सालासर, बालाजी जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रही है।
इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।